चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री, मतलब जीत की गारंटी। पीएम मोदी का शो जारी है, अब 400 की तैयारी है। देश में मोदी मोदी चल रहा है, बीजेपी का वोट बढ़ रहा है। ये जो आपने अभी अभी सुना, ये केवल हम नहीं कह रहे हैं, ये पिछले 9 सालों के आंकड़े हैं जो हमने जुटाए हैं। पिछले 10 सालों में ब्रांड मोदी ने देश में ही नहीं विदेश में भी अपनी एक अलग पहचान जुटाई है। देश में आलम यह है कि जिस प्रत्याशी के पक्ष में प्रधानमंत्री मोदी उसके क्षेत्र में रैली या रोड शो कर दे, वहां से भर भर के वोट बीजेपी की झोली में गिरते हैं। यही नहीं, एक बार तो ऐसा भी देखने को मिला कि जिस सीट पर सालों से विपक्ष धाक जमाए बैठा था, उसके गढ़ में घुसकर प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के पक्ष में प्रचार किया तो विपक्ष अपनी पारंपरिक सीट बहुत ही बुरी तरह से हार बैठा। ऐसा नहीं है कि विपक्ष प्रचार नहीं करता या उसकी पकड़ कमजोर रहती है, लेकिन इसे पीएम मोदी का ही जादू कहेंगे कि विपक्ष के एडी से चोटी तक के जोर आजमाइश के बाद भी सीट बीजेपी के खाते में ही चली जाती है। एक बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में बीजेपी मैदान में है, जिसका शंखनाद भी हो चुका है। इस बार सवाल ये है कि इस बार लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की लोकप्रियता कितनी हावी रहेगी। खैर, ये तो चुनावी नतीजों के बाद ही साफ हो जाएगा, लेकिन यहाँ हम आपको बताएंगे कि पीएम मोदी अपने दम पर बीजेपी को कितने वोट दिलाते हैं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। सेनाओं का अपमान, देश का विभाजन, ये कांग्रेस पार्टी की पहचान है। ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। जनता पार्टी में विभाजन के बाद 1980 में बीजेपी का गठन हुआ। 1984 के चुनाव में उसने 2 लोकसभा सीटें जीती, लेकिन 1996 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए से हारने से पहले उसने 1998 और 1999 में गठबंधन सरकारें बनाई। 2014 में बीजेपी स्पष्ट बहुमत के साथ वापस आई, जो 1984 के बाद से नहीं देखा गया था। यहाँ ये मेंशन करना जरूरी है कि बीजेपी ने 2014 में गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। इस चुनाव में पार्टी को 2009 की तुलना में 9.4 करोड़ अधिक वोट मिले। तो क्या ये कहना सही होगा कि 2014 से ही मोदी फैक्टर का बीजेपी की चुनावी जीत पर बहुत बड़ा असर पड़ा है? आप जरा इन आंकड़ों से समझिए। 2019 में 436 में से 303 सीटों पर जीतें हासिल की, वहीं 2014 में 428 में से 282 सीटें पाई। अगर बात करें 2009 की, तो 433 सीट में से 116 सीटें बीजेपी के पाले में आई, और 2004 में 364 में से 138 सीटें जुटा पाई बीजेपी। और पीछे जाते हुए अगर बात करें साल 1999 की, तो इस समय 339 में से बीजेपी ने 182 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं साल 1998 में 388 में से 182 सीटें, तो साल 1996 में 471 में से 161, 1991 में 468 में से कुल 120 सीटें, 1989 में 225 में से 85 सीटें, 1984 में 224 में से केवल 2 ही सीटें हासिल की बीजेपी ने। 3 तलाक आपके जीवन पर तो खतरा था ही था। मेरी मुस्लिम बेटियों के सर पर तलवार लटकती रहती थी। मोदी ने हर मुस्लिम परिवार की भी रक्षा की है। मोदी ने सिर्फ मुस्लिम बहनों को नहीं, सभी मुस्लिम परिवारों की जिंदगी को बचाया है। 2019 में बीजेपी ने इससे भी बेहतर प्रदर्शन किया। बीजेपी का वोट 2014 के 17.2 करोड़ से बढ़कर 22.9 करोड़ हो गया। वहीं पिछले लोकसभा चुनावों में वोटों की संख्या 6.8 करोड़ वोटों से 3 गुना भी ज्यादा थी, जो बीजेपी ने 1996 में जीते थे, जब उनकी सरकार सिर्फ 13 दिनों में ही गिर गई थी। 2009 और 2014 के लोकसभा रिजल्ट का कंपैरिजन करने पर पैटर्न सामने आता है, जिसे आप मोदी लहर भी कह सकते हैं, जिससे पता चलता है कि देश भर की 127 सीटें ऐसी हैं जहां 2009 की तुलना में 2014 में बीजेपी के वोट शेयर 20 से अधिक बढ़ा। बीजेपी ने 2009 में इन 127 सीटों में से केवल 5 सीटें जीती थी,
जबकि 5 साल बाद यानी कि 2014 के चुनाव में पार्टी के झोले में 104 सीटें गिर गई। कहा जा सकता है कि इन सीटों पर मोदी लहर का सबसे ज्यादा असर हुआ। ये आंकड़े देखिए, उत्तर प्रदेश में 53 में से 49, बिहार में 16 में से 12, राजस्थान में 11 में से 11, महाराष्ट्र में 9 में से 9, हरियाणा में 6 में से 5, आंध्र प्रदेश में 7 में से 3, असम में 6 में से 3, गुजरात में 3 में से 3, झारखंड में भी 3 में से 3 और उत्तराखंड में भी 3 में से 3, वहीं पश्चिम बंगाल में 3 में से 1, जम्मू कश्मीर में 1 में से 1, मध्य प्रदेश में 1 में से 1, तमिलनाडु में 4 सीटों में से 1 भी सीट हासिल नहीं हुई। गरीब की चिंता करना मैं मेरा जीवन धर्म मानता हूं दोस्त, कि किसी गरीब को मैं भूखा नहीं सोने दूंगा। मेरे गरीब भाइयों बहनों, मैं देश के गरीब भाइयों बहनों को आज दूर की धरती से बताना चाहता हूं, मैंने निश्चय कर लिया है देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। बीजेपी के वोट शेयर पर मोदी के प्रभाव को मापने के लिए विधानसभा और संसदीय चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन के नतीजे बताते हैं कि साल 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 40 सीटें जीती और 36.5% वोट हासिल किया। बीजेपी ने पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर प्रचार किया था। नतीजा 58.2% वोट शेयर और राज्य की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीती। वोट शेयर में 21.7% अंकों के डिफरेंस को मोदी फैक्टर के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। और केवल हरियाणा ही नहीं, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में भी विधानसभा और लोकसभा चुनावों के बीच बीजेपी के वोटों में 20 से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई। बात करें गोवा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड में ये डिफरेंस 15 से ज्यादा था। वहीं अगर बिहार और महाराष्ट्र की बात करें तो वहां बढ़ोतरी इतनी तेज नहीं थी। इसकी वजह ये रही है कि वहां बीजेपी का मजबूत स्थानीय दलों के साथ गठबंधन नहीं हो पाया था। कुल मिलाकर विधानसभा और लोकसभा चुनावों के बीच बीजेपी के वोटों में 4.5 करोड़ से अधिक की जो वृद्धि हुई है उसे मोदी वोट कहा जा सकता है। साथियों, कांग्रेस पार्टी की एक ही पहचान है, सत्ता आती है तो इनका भ्रष्टाचार बेलगाम हो जाता है और सत्ता जाती है तो पूरी ताकत षड्यंत्रों में लगा देते हैं, बौखला जाते हैं, जितना बुरा कर सकते हैं बुरा करने के रास्ते पकड़ लेते हैं। बेशक बीजेपी के सभी नए वोट मोदी वोट नहीं थे, लेकिन यूपीए 2 सरकार के खिलाफ मजबूत सत्ता विरोधी वोट था और कई राज्यों में स्थानीय गठबंधन और कारक थे जिन्होंने एनडीए की मदद की। लेकिन मोदी बीजेपी के सबसे बड़े पुल और पुश फैक्टर रहे जिन्होंने पूरे भारत में नए वोट लाने और विपक्ष से मतदाताओं को दूर करने में मदद की। मोटा मोटा आंकलन करें तो समझ में अच्छे से आ जाता है कि पीएम मोदी के चेहरे के सामने और कोई चेहरा लोकप्रियता और विश्वसनीयता के मामले में टिकता नजर नहीं आता। प्रधानमंत्री मोदी जब भी बोलते हैं लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं और अमल भी लाते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी अपने हर भाषण में देश के विकास का तड़का लगाना नहीं भूलते और लोगों से केंद्र और प्रदेश की योजनाओं का फीडबैक भी जरूर लेते हैं। देश के मौजूदा हालात को देखकर लगता है जैसे कुछ नई ही तरह की पॉलिटिक्स हो रही है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस सिर्फ कागजों में काम करने का दिखावा करती है और मोदी जमीन पर काम करके जिंदगी बदलने के लिए प्रतिबद्ध रहता है। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी इस बार भी अपनी हैट्रिक के लिए पूरी तरह से विश्वास से भरे हुए नजर आ रहे हैं। इस बार उन्होंने मोदी की गारंटी को अपना अभियान का मेन टॉपिक बनाया है। मोदी की गारंटी मतलब युवाओं का विकास, महिलाओं का सशक्तिकरण, किसानों का कल्याण और उन सभी हाशिए पर पड़े और कमजोर लोगों के लिए गारंटी है जिन्हें दशकों तक नजरअंदाज किया गया था। चलिए इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए आप जरूर देखते रहें श्रेष्ठ भारत।
श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।